substitute. गहलोत सरकार के बजट पर टिकी प्रदेशवासियों की निगाहें, सभी वर्गों को है उम्मीद। वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बजट को अंतिम रूप देने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। केंद्रीय बजट के बाद प्रदेशवासियों की निगाहें राज्य के बजट पर टिकी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को प्रदेश का बजट पेश करेंगे। बजट को लेकर प्रदेश के सभी वर्ग को गहलोत सरकार से काफी उम्मीदें हैं। वहीं सीएम गहलोत ने भी बजट को लेकर पूरी तैयारियां कर ली है, जिससे लोगों को निराशा हाथ नहीं लगे। लोगों को चुनाव के समय की गई घोषणाओं से बची हुई घोषणाओं के लिए भी अच्छा होने की उम्मीदें लोग लगाए बैठे हैं। गहलोत सरकार ने भी बजट को लेकर होमवर्क कर लिया है। बजट से पहले सरकार औद्योगिक संस्थाएं, एनजीओ, युवाओं, महिलाओं और आम जनता को अहम सुझाव के लिए दिए गए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से गुड गवर्नेंस का पर फोकस होगा। बजट में किसान, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, हितैषी रहने की संभावना लगाई जा रही है। गहलोत सरकार का ध्यान मुख्यतः रूप से रोजगार पर भी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार से केंद्र की योजनाओं को भी गति मिलेगी। जीएसटी सरलीकरण में भी सरकार कुछ अहम बदलाव कर सकती है। वहीं बजट में शिक्षा नीति को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही ग्रामीण आधारभूत ढांचे की संरचना का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। मिलावटी खोर को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम बनाया जा सकता है। वहीं जल संरक्षण के प्रावधानों की वीरता दी जाएगी। पर्यटन और होटल व्यवसाय को बढ़ती दी जाएगी। इसके साथ ही महानरेगा को उद्योगों से जोड़ने की घोषणा भी आज अशोक गहलोत कर सकते हैं। बजट में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल जयपुर, उदयपुर, कोटा व अजमेर के काम को गति मिल सकती है। पश्चिमी राजस्थान में पेयजल से जूझ रहे जिलों को बस इस बजट से कुछ राहत मिल सकती है। जल जीवन मिशन योजना का भी राज्य में कई बड़े शहरों को लाभ मिलेगा। इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र शामिल होंगे। प्रदेश के युवा, बेरोजगार और बुजुर्ग महिलाएं, नौकरी पेशा, किसानों, व्यापारियों और सभी की उम्मीदें परवान पर है। ये बात अलग है कि इनमें से कितनी उम्मीद पूरी होती है और कितनी धराशाय, इसका खुलासा तो बजट के पिटारा खुलने पर ही हो पाएगा। राजस्थान में अब फेसबुक और ट्विटर से होगी शिक्षकों की समस्या हल। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने नई पहल की है। सोशल मीडिया पर आने वाली शिकायतों पर ऑनलाइन एक्शन। एक तरफ जहां कई अधिकारी कार्यालय में महीनों बाद शिकायतों का निपटारा नहीं हो पा रहा है, वहीं शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन शिकायतों के निपटारे के लिए अलग टीम बनाई है। ये टीम फेसबुक, ट्विटर और ईमेल पर आने वाली है, शिकायतों को तत्काल समाधान करेगी। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर इस नई पहल की जानकारी दी। ऑनलाइन टीम बनाते ही सुनील बेनीवाल युवा ने मंत्री को ट्विटर पर शिकायत भेजी, जिसमें बताया गया कि उसके गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन बच्चे खेलकूद की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, स्कूल में खेल सामग्री भी नहीं है। इस पर मंत्री ने ट्विटर पर जवाब दिया और आपकी शिकायत संबंधित जिले के ADF को भिजवा दी है, जल्द ही बजट प्रस्ताव तैयार कर अनुमति दिलाई जाएगी। राजस्थान में पटवारी भर्ती के आवेदन में 9 लाख आवेदन पार हो चुके हैं और अंतिम तारीख भी बढ़ सकती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए अब 9,50,000 आवेदन आ चुके हैं। बुधवार को आवेदन की अंतिम तिथि 3 दिनों ही 2 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। संभावना है कि आवेदकों की संख्या 10 लाख के पार चली जाएगी। 4,421 पदों के लिए इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 जनवरी से शुरू हुई थी। बोर्ड के अध्यक्ष BL चटावत का कहना है कि पटवारी भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई जा सकती है, इस पर मंथन चल रहा है। हालांकि योग्यता में बदलाव के चलते ग्रेजुएशन की अंतिम वर्ष के छात्राओं को ये परीक्षा अगस्त के बाद करवाने की मांग की है। राजस्थान विश्वविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों की परीक्षा 2 मार्च से। राजस्थान विश्वविद्यालय के स्नातक नियमित विद्यार्थियों की परीक्षा 2 मार्च से शुरू होगी। इसमें विज्ञान, वाणिज्य, वर्ग और कला और नियमित परीक्षार्थी और पूर्व परीक्षार्थी और वाणिज्य विज्ञान संकाय के स्वयंपाठी एवं BSc एडिशनल 2020 के परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षाओं में प्रवेश होने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 20 फरवरी से उपलब्ध होंगे। डाउनलोड किए गए दोनों प्रवेश पत्र की निर्धारित स्थान पर फोटो उपलब्ध नहीं होना आवश्यक होगा, अन्यथा अपना न्यूनतम फोटो पासपोर्ट साइज लगाकर संबंधित प्राचार्य से प्रमाणित करवा कर परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना होगा। जिन परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं हो सके, ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी पूर्व में जमा परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी से संबंधित प्राचार्यों को प्रमाणित करवाकर सभी परीक्षाओं की अंक तालिका सहित अनुभाग से संबंधित खिड़की पर प्रस्तुत करना होगा।
ऐसे प्रत्याशी जो राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षा 2019 से पूर्व वर्ष में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, श्रेणी सुधार और अंक सुधार हेतु परीक्षा, इस कारण उनके परीक्षा का फॉर्म निरस्त किया गए हैं। बीस के कारण विद्यार्थियों का वार्षिक परीक्षा 2020 से वंचित नहीं रखा जाएगा। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय की ओर से सभी मुख्य लोक शिक्षा अधिकारियों व संस्था प्रधानों को निर्देश दिए गए हैं जारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऑफिसरों पर कसी लगाम, राजकीय समारोह में माला सपा पहनाने पर पाबंदी। राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने नीतिगत निर्णय लेते हुए शिलालेखों पर अधिकारियों के नाम लिखवाने पर पाबंदी लगा दी है। प्रदेश में सरकार ने अब राजकीय खर्चों पर होने वाले समारोह में अधिकारियों को माला सापा पहनाने पर भी पाबंदी लगा दी है। अधिकारी भवन में शिलान्यास उद्घाटन लोकार्पण नहीं कर सकते। अधिकारी अपना नाम भी शिलालेखों पर नहीं लिख सकते। राज्य के प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए गए परिपत्र के अनुसार सरकार के खर्चों पर होने वाले समारोह में जनप्रतिनिधि को बुलाना अनिवार्य है। आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों को राजस्थान सिविल सर्विसेज नियम 1971 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। संबंधित दोषी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गहलोत सरकार ने राजकीय समारोह में जनप्रतिनिधियों पर हो रही उपेक्षा को लेकर सख्त हो गई है। दरियाल सरकार के पास इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि राजकीय खर्चों पर होने वाले समारोह में जनप्रतिनिधि जैसे विधायक सांसद आदि को नहीं बुलाया जाता है। राज्य के प्रशासनिक सुधार विभाग ने एक परिपत्र जारी किया है। परिपत्र में कहा गया कि ऐसा कोई भी कार्यक्रम हो जहां पर सरकार के खर्चे पर होता है उसमें जनप्रतिनिधियों को बुलाना जरूरी है। ऐसे कार्यक्रम में सूचना जनप्रतिनिधियों को समय पर दी जाए। परिपत्र में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके मुताबिक राजकीय धनराशि को तैयार भवन के शिलान्यास उद्घाटन व राजकीय समारोह में जनप्रतिनिधि जैसे सांसद विधायक जिला प्रमुख प्रधान नगर निकाय मेयर सभापति अध्यक्ष सरपंच को आवश्यक रूप से आमंत्रित किया जाए। जनप्रतिनिधियों को बैठने की समुचित व्यवस्था की जाए। सरकारी सेवा सेवकों को सांसद और विधायक से संपर्क के दौरान शिष्टता और समापन दर्शाना चाहिए। अधिकारी भवन के शिलान्यास उद्घाटन का लोकार्पण नहीं करें और अपना नाम भी शिलालेख पर नहीं लिखें। विधानसभा में बोले उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट सर्विसेज और अग्निशमन वाहन की पूर्ति विभाग करेगा। विधानसभा में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लाइट सर्विस अग्निशमन वाहन की जरूरत होगी विभाग द्वारा उनकी पूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांवों और शहरों दोनों के विकास के लिए समान रूप से संवेदनशील है तथा बिजली पानी सड़क जैसी सुविधा आम आदमी तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धित है। पायलट ने प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों के जवाब देते हुए बताया कि पिछली सरकार द्वारा अग्निशमन वाहन खरीदने के लिए 15,000 से अधिक आबादी वाले पंचायतों का अनुदान देने की घोषणा की गई थी। इसमें ड्राइवर और अन्य रखरखाव व्यवस्था ग्राम पंचायत स्तर पर की जानी थी। ग्राम पंचायत स्तर पर इसकी व्यवस्था नहीं कर पाने की वजह से पिछली सरकार द्वारा यह आदेश वापस ले लिया गया था। वर्तमान सरकार ग्राम पंचायतों पर इस तरह की जिम्मेदारी नहीं डालना चाहती, इस वजह से अग्निशमन वाहन की आवश्यकता होने पर इसकी व्यवस्था विभाग द्वारा ही की जाएगी। इससे पहले उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने विधायक हमीर सिंह पायल के प्रश्न का जवाब देते हुए राज्य सरकार द्वारा बजट की घोषणा 2016-17 के बिंदु संख्या 213 में 15,000 से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायतों में अग्निशमन वाहन हेतु आवश्यक अनुदान उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई थी, जिसे क्रियान्वित नहीं करने पर निर्णय 8 जून 2017 को तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा ही लिया गया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में जनसंख्या के आधार पर सर्विसेज लाइन, गलियों में रोशनी व्यवस्था हेतु सोलर लाइट के लिए विशेष दिशा निर्देश विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि LED लाइट और सोलर लाइट लगाने हेतु समस्त पंचायत राज संस्थाओं के सामान्य दिशा निर्देश विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। उन्होंने दिशा निर्देश के प्रति परिशिष्ट सदन को मेज पर रखी। इस दौरान सचिन पायलट ने बताया कि सर्विसेज लाइन से संबंधित कार्य राज्य वित्त आयोग एवं 14वें वित्त आयोग की अनुमति है। इस संबंध में ग्राम पंचायतों में कोई विशेष चयन नहीं किया जाता है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में सिविना उपखंड मुख्यालय पर अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने प्रतिष्ठित T20 लीग IPL में आगामी सीजन के शेड्यूल जारी कर दिया है। इस पर शेड्यूल में दो मैचों के लिए वेन्यू जयपुर और गुवाहाटी लिख दिए गए हैं। BCCI ने 5 अप्रैल को राजस्थान और दिल्ली के बीच होने वाले मुकाबले में वेन्यू जयपुर और गुवाहाटी लिखा है, जबकि 9 अप्रैल की मैच को राजस्थान बनाम कलकत्ता नाइट राइडर्स की मैच को सामने ऐसा कुछ लिखा हुआ है।
गुवाहाटी के बासरापल्ट क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल मैच आयोजित करने को लेकर अनिश्चितता है, जिसके कारण तीन याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ में जनहित याचिका दायर करना है। इस पर कोर्ट आगामी 20 फरवरी तक अपना फैसला सुना सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पूर्व चेयरमैन राजस्थान रॉयल्स ने अपने पहले होम वेन्यू अहमदाबाद से गुवाहाटी बदलने के लिए अनुरोध किया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला पर दे सकता है, जिसमें आईपीएल 2020 के संकलन के लिए राजस्थान रॉयल्स के मैचों को गुवाहाटी शिफ्ट करने की चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि जयपुर के बाहर मैचों को शिफ्ट करना राज्य के लिए अपमानजनक होगा। इससे पहले भी राजस्थान ने अपने मैच जयपुर में खेले थे। इस बीच बीसीसीआई ने रॉयल्स का समर्थन किया है।